हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर्स नॉलेज। आप प्रिपरेशन विद हिमांशु, डेली करंट अफेयर, केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो आप तक पहुँच सके। इन खिलाड़ियों को 29 अगस्त को दिया जाएगा पुरस्कार, खेल और खेल के प्रति साहसिक इनाम पुरस्कार 2020। खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक स्पोर्ट पर्सन द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सन 1984 से लेकर सन 1989 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में सेवा की। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 29 अगस्त 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने वाले खिलाड़ियों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से हैं। नंबर 2 मरियप्पन थंगावेलु, जो कि पैरा एथलीट हैं। नंबर 3 मनिका बत्रा, टेबल टेनिस। नंबर 4 विनेश फोगाट, कुश्ती। नंबर 5 रानी रामपाल, हॉकी। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का आरंभ सन 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों को दिया जाएगा। नंबर 1 अतानु दास, जो कि तीरंदाजी से हैं। नंबर 2 दुती चंद, जो कि एथलेटिक्स से हैं। नंबर 3 सात्विक साईराज रेकी रेड्डी, जो कि बैडमिंटन से हैं। साथ ही चिराग शेट्टी, वो भी बैडमिंटन से हैं। नंबर 4 विशेष ब्रंगवंशी, जो कि बास्केटबॉल से हैं। नंबर 5 मनीष कौशिक, की मुक्केबाजी से हैं। साथ ही लवलीना बोरगोहेन, वो भी मुक्केबाजी से हैं। नंबर 6 ईशान शर्मा और दीप्ति शर्मा, जो कि क्रिकेट से हैं। नंबर 7 अजय अनंत सावंत, जो कि घुड़सवारी से हैं। नंबर 8 संदेश झिगन, जो कि फुटबॉल से हैं। नंबर 9 अदिति अशोक, जो कि गोल्फ से हैं। नंबर 10 आकाशदीप सिंह, जो कि हॉकी से हैं। साथ ही दीपिका, वो भी हॉकी से हैं। नंबर 11 दीपक, जो कि कबड्डी से हैं। नंबर 12 सारिका सुधाकर काले, जो कि खो खो से हैं। नंबर 13 दत्तू बबन भोकानल, जो कि रोइंग से हैं। नंबर 14 मनु भाकर, जो कि निशानेबाजी से हैं। साथ ही सौरभ चौधरी भी निशानेबाजी से हैं। नंबर 15 मधुरिका सुहास पाटकर, जो कि टेबल टेनिस से हैं। नंबर 16 दिविज शरण, जो कि टेनिस से हैं। नंबर 17 शिवा केसवन, जो कि ल्यूज से हैं। नंबर 18 दिव्या काकरन, जो कि कुश्ती से हैं। साथ ही राहुल आवरे, वो भी कुश्ती से हैं। नंबर 19 सुयश नारायण यादव, जो कि पैरा तैराकी से हैं। नंबर 20 संदीप, पैरा एथलेटिक्स से हैं। नंबर 21 मनीष नरवाल, जो कि पैरा निशानेबाजी से हैं। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना साल 2002 में की गई थी। वर्ष 2002 से खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस सम्मान के लिए विजेताओं का चयन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। उनके सक्रिय खेल कार्यकाल के दौरान सेवा निवृत्ति के बाद खेल के प्रति उनके योगदान के लिए किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने अपने 22 वर्ष के कैरियर के दौरान 1000 से अधिक गोल किए थे, जिसके कारण वह विश्व में हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शाहरुराज बिरजादार मुक्केबाजी से और अशोक दीवान हॉकी और अपर्णा घोष बास्केटबॉल से थे, जिन्हें 2002 में सम्मानित किया गया था। आमतौर पर हर साल में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि वर्ष 2003, 2012 और 2013 में
तीन से अधिक व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 29 अगस्त 2020 को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम कुछ निम्नलिखित इस प्रकार हैं। नंबर एक कुलदीप सिंह भुल्लर, साथ ही जिंसी फिलिप्स जो कि एथलेटिक्स से हैं। नंबर दो प्रदीप गंधे, साथ ही प्रति मुरगंडे जो कि बैडमिंटन से हैं। नंबर तीन एन ऊषा, साथ ही लखा सिंह मुक्केबाजी से हैं। नंबर चार सुखविंदर सिंह संध जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। नंबर पाँच अजय सिंह जो कि हॉकी से। नंबर छः मनप्रीत सिंह जो कि कबड्डी से हैं। नंबर सात जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक। नंबर आठ सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन। नंबर नौ मनजीत सिंह रोइंग। नंबर दस सचिन नागा तैराकी। नंबर ग्यारह नंदपाल टेनिस। नंबर बारह नेत्रपाल हुड्डा जो कि कुश्ती से हैं। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी दी जाती है। इस बार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दी जाएगी। इन खेल पुरस्कारों के अलावा मंत्रालय तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को भी मान्यता देता है। इस वर्ष खेल पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें न्यायमूर्ति सेवा निवृत्त मुकुंद शर्मा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अन्य सदस्यों जैसे डीजी साई प्रख्यात खिलाड़ियों के चयन समिति ने माना। खेल पत्रकारिता और खेल प्रशासन आदि में अनुभव रखने वाले व्यक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर और जांच के बाद सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के तहत निम्नलिखित खिलाड़ियों को कोच और संस्थानों को पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल जगत में दिया जाता है। ये 1985 में प्रारंभ हुए थे। महाभारत प्रसिद्ध के कोच द्रोणाचार्य के नाम पर पुरस्कार भारतीय खेलों में एक गुरु या कोच की सबसे अच्छी पहचान है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता था। यह पुरस्कार एक महान गुरु को दिया जाता है। 29 अगस्त 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। नंबर एक धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाज से हैं। नंबर दो परसोत्तम राय जो कि एथलेटिक्स से हैं। नंबर तीन शिव सिंह जो कि बॉक्सिंग से हैं। नंबर चार रमेश पठानिया जो कि हॉकी से हैं। नंबर पाँच कृष्ण कुमार हुड्डा जो कि कबड्डी से हैं। नंबर छः विजय भालचंद्र मुनेश्वर जो कि पैरा लिफ्टर से हैं। नंबर सात नरेश कुमार जो कि टेनिस से हैं। नंबर आठ ओम प्रकाश दहिया जो कि कुश्ती से हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी। नंबर एक जूड फिलिप्स जो कि हॉकी से हैं। नंबर दो योगेश मालवी जो कि मलखम से हैं। नंबर तीन जसपाल राणा जो कि निशानेबाजी से हैं। नंबर चार कुलदीप कुमार हुड जो कि वुशू से हैं। नंबर पाँच गौरव खन्ना जो कि पैरा बैडमिंटन से हैं। इस वर्ष से खेल पुरस्कार के तहत मिलने वाली राशि बढ़ा दी गई है, जो कि इस प्रकार है। खेल रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से भी जाना जाता है। खेल रत्न पुरस्कार पहले 7.5 लाख रुपये दिया जाता था और अब इस वर्ष से 29 अगस्त 2020 से 25 लाख रुपए दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पहले 5 लाख रुपये दिया जाता था और अब इस वर्ष से 15 लाख रुपये दिया जाएगा। साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार पहले 5 लाख रुपये दिया जाता था और अब इस वर्ष से 10 लाख रुपये दिया जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार पहले 5 लाख रुपये दिया जाता था और अब इस वर्ष से 15 लाख रुपये दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप सभी को खेल एवं पुरस्कारों से संबंधित जानकारी की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।